मैगी खाना तो हर किसी को पसंद है, और अगर आप इसे ट्विस्ट के साथ खाएंगे तो इसके खाने का मजा दुगुना हो जाएगा। तो आज मैं लेकर आई हूँ सेजवान मैगी की रेसिपी, जिसके लिए हम घर पर ही बनाएंगे बिल्कुल इजी वे में इंस्टेंट सेजवान सॉस और फटाफट से बना लेंगे ये मैगी। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। मैं आपके लिए हमेशा नई नई रेसिपीज लेकर आती हूँ, अगर आप मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम चटनी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये मोटी वाली मिर्च ली है जिसे बॉईल कर लिया है, या फिर आप इसे गर्म पानी में भी 3 से 4 घंटे भीगने देंगे ना तो ये ऐसे ही सॉफ्ट हो जाएगी। ये मोटी वाली जो मिर्च होती है वो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, इसमें बीज बहुत कम होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। और साथ में इसमें हम डालते हैं 7 से 8 पीस लहसुन, जिसे मैंने थोड़ा सा चॉप कर लिया है, आप बगैर चॉप किए हुए भी डाल सकते हैं। और साथ ही में इसमें थोड़ा सा अदरक भी डालते हैं, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। इसी समय हम इसमें डालते हैं रेड चिली सॉस। वैसे तो सेजवान सॉस मार्केट में भी मिलता है, लेकिन आज हम बिल्कुल इंस्टेंट वे में सॉस बनाएंगे। और इसी समय इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच सोया सॉस भी डाल देते हैं। इसी समय हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच विनेगर भी। और अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा पानी ग्राइंडिंग के लिए। वैसे तो बाजार का जो सेजवान सॉस होता है वो थोड़ा सा खट्टा होता है और काफी तीखा होता है, तो हम घर में इंस्टेंट वे में बना रहे हैं सॉस, तो इसे ग्राइंड करके इसका पेस्ट बनाते हैं। तो ये हमारा इंस्टेंट रेड चिली पेस्ट बनके रेडी हो गया है, जिसे आप सेजवान सॉस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने सारे सॉसेस भी ऐड किए हैं। इसे आप फ्रीजर में 2 से 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो पेस्ट रेडी हो गया है, और चलिए अब हम सब्जियों को भुनने के लिए पैन में डालते हैं 3 चम्मच तेल। तो तेल थोड़ा गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालते हैं 1/2 कप प्याज, जिसे मैंने इस तरीके से रफली चॉप कर लिया है, थोड़ा छोटा कट करना है इसको, और थोड़ा सा ही मिक्स करेंगे तेल के साथ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भी हमें नहीं भुनना है। और अब इसमें हम डाल देते हैं फ्रेंच बीन्स, ये 1/4 कप है। साथ ही में थोड़ा सा गाजर भी डाल देते हैं, ये भी 1/4 कप है। दोनों को हम प्याज के साथ थोड़ा सा भुनेंगे, क्योंकि गाजर और बीन्स को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। ये जो सब्जियां हैं हार्ड होती हैं, इसलिए इसको मैंने पहले डाला है। और यहाँ पे मैंने फ्लेम को हाई रखा है, हमें बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर इसे नहीं कुक करना है, नहीं तो सब्जियों में से पानी निकलेगा और फिर खाने में उतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे सब्जियों को भी थोड़ा सा भून लिया है, और अब इसमें हम डालते हैं लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च और हरी शिमला मिर्च। तीनों शिमला मिर्च को भी हम 1 मिनट के लिए सॉटे करेंगे हाई फ्लेम पर रखकर। और यहाँ पर अगर आपके पास लाल पीली शिमला मिर्च नहीं है तो ज़रूरी नहीं है इसको डालना, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। और सब्जियां आप जो भी खाना पसंद करें, यहाँ पे आप मटर और पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। शिमला मिर्च बहुत जल्दी कुक हो जाती है, तो इसको बहुत ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ सेकंड के लिए मैंने ये सॉटे किया। और ये इसमें हम डालते हैं बिल्कुल लाल रंग का चटपटा सेजवान सॉस, इंस्टेंट वाला। तो ये जितना आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कीजिए। यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऐड किया है, और साथ ही में इसमें जाएगा 4 पैकेट मैगी मसाला। अब सॉस को यहाँ पे सब्जियों के साथ अच्छे से भून लेते हैं। अब ये इंस्टेंट वाला रेड सॉस, जिसे आप चिली पेस्ट भी बोल सकते हैं, तो इसको सब्जियों के साथ अच्छे से भून लीजिए, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब चाहें तो इसी मसाले को ना ब्रेड के साथ लगा के भी खाइए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सब्जियाँ पेस्ट सॉस सब भुन गया है। और यहाँ पर डालते हैं हम पानी, तो 200 ml पानी डालेंगे, अभी बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। पानी को एक बार थोड़ा सा बॉईल होने देंगे, और अभी तक मैंने यहाँ पे नमक ऐड नहीं किया है, तो थोड़ा सा नमक डालते हैं, क्योंकि मैगी मसाला में भी नमक होता है, सॉस में भी नमक होता है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ सब्जियों के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डाला है। तो यहाँ पे ये देखिए पानी बॉयल होने लगा है, और उबलते हुए पानी में हम डालेंगे 4 पैकेट मैगी, आप इसे तोड़ के भी डाल सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स करते हैं, यहाँ पे फ्लेम को एक बार थोड़ा सा लो कर लेंगे, और मैगी को बिल्कुल अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करेंगे। जैसे जैसे ये सॉफ्ट होता जाएगा वैसे वैसे आसानी से खुल जाएगा। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, तो हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर रहे हैं। तो ये देखिए पानी बिल्कुल अच्छे से अब्सॉर्ब हो गया है, लेकिन अभी मैगी तो कच्ची है, तो इसमें हम 200 ml पानी और ऐड कर रहे हैं, और फिर से हम सभी मैगी को अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल अच्छे से पानी में मैगी डूब जानी चाहिए, और ये देखिए मैगी बिल्कुल अच्छे से खुल गई है, लेकिन अभी भी थोड़ी कच्ची है। तो यहाँ पर हम इसे कवर कर देते हैं, और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ही इसे हम कुक करेंगे, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। तो 2 से 3 मिनट हो गया है, वैसे तो मैगी 2 मिनट में नहीं बनती है, और आज तो हम सेजवान मैगी बना रहे हैं, तो इसे बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही अमेजिंग लगती है। ये देखिए जो पानी है वो काफ़ी अब्सॉर्ब हो गया है, तो अगर ज़्यादा पानी डाल के इसे ज़्यादा कुक कर देंगे तो ये खिली खिली नहीं बनती है, बहुत ही चिपचिपी बनेगी। अब इसे हम और कुक नहीं करते हैं, तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है, और अब इसमें हम डालते हैं थोड़े से स्प्रिंग ऑनियन, जिससे कि ये और भी टेस्टी लगेगा। वैसे तो स्प्रिंग ऑनियन नहीं है तो आप स्किप भी
कर सकते हैं और सब्जियां आप जो खाना पसंद करें वो ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए फटाफट से घर के बने हुए इंस्टेंट सेजवन सॉस से आप बना सकते हैं ये सेजवन मैगी। बहुत सारी सब्जियों और इंस्टेंट सॉस से बन गई है ये सेजवन मैगी जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी रेसिपीज आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।